गाइस मैं खुशीरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। 18वीं मंजिल से गिरा है 4 साल का बच्चा, पर बोलते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा ही चमत्कार वहां पर हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी अपडेट, बच्चे की हालत इस वक्त कैसी है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा कमेंट जरूर करते हो जाइए। चीन के हुबाई प्रांत से हमारे सामने ये मामला आ रहा है। ये जो पूरा मामला है वो 6 अगस्त को एक्चुअली में हुआ था। 18वीं मंजिल पे एक फ्लैट था और उस दौरान ही 4 साल का बच्चा अपनी दादी के साथ रहता था, क्योंकि उसके माता पिता जो है वो दूसरे शहर में अपनी नौकरी करते हैं। और उस दौरान ही उनकी दादी जो है 4 साल के बच्चे की, वो बाहर कुछ सामान लेने के लिए गई थी और बच्चा जो था वो सोफे पे चढ़ के खिड़की के पास गया और वहां से नीचे गिर गया। और बोलते हैं, ये कहावत भी सच है कि चमत्कार जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान कर देते हैं। और जब भगवान को किसी की जान नहीं लेनी होती तो उसकी जान कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि उसका साया उसके ऊपर होता है भगवान का। और उस दौरान ही 4 साल का बच्चा जब नीचे गिरा तब पेड़ के ऊपर गिरा और एक्चुअली में वो गंभीर रूप से घायल तो है। और जो महिला थी, जो दादी थी, वो काफी ज्यादा शॉक में आ गई, जिसके कारण वो कुछ कर नहीं पाई। और नजदीकी लोगों ने, जो अजनबी लोग थे, उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और अभी बच्चा आईसीयू में भर्ती है और बोला जा रहा है कि उसकी 6 सर्जरी हुई और 6 सर्जरी के बाद 3 दिन के बाद उसमें रिकवरी दिखने लग गई। अभी एक्चुअली में वो काफी ज्यादा उसकी हालत में सुधार है और जल्द से जल्द उसकी हालत में सुधार आएगा। और अभी ट्रीटमेंट के लिए वो वहीं पर है, पर उसके माता और उसके पिता की हालत काफी ज्यादा बुरी है, क्योंकि उनका छोटा सा बच्चा जो है वो 18वीं मंजिल से गिरा है। पर इस बात से खुश है कि भगवान ने उनको चमत्कारी रूप से बचा लिया है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाको रखे साइयां मार सके ना कोई कमेंट जरूर करते हुए जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।